ગાંધીનગરમાંથી રૂપિયા 70,000ની કિંમતનું નકલી અમૂલ ઘીનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પાયલ ટ્રેડર્સનું લાયસન્સ 60 દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કરાયું. राजकोट टीआरपी गेम्स और अग्निकांड मुद्दे पीआईएल ने सुनावणी में हाईकोर्टे सरकार और आरएमसी ने फटकार लगावी. हाईकोर्टे कहू अग्निकांड मामलो ईपी को कलम 302 हेठळ केम हत्यानो गुनो दाखल करायो नथी. अमदावाद में सीएनजी किट पर पाट्यु राखी बाळकों ने बेसाडनारी स्कूलवान डिटेन कराशे. तेमज स्कूल शुरू थता ज आरटीओ और पोलिस संयुक्त रीते कार्यवाही करशे. अमदावाद में कोर्पोरेशन 48 वोर्ड में पानी काढ़वा गार्डन टीम ने जवाबदारी सौंपी है. 140 जेटला वोटर लॉगिंग स्थल पर एएमसी ना कर्मचारियों तैनात रहेशे. अंतरिक्ष में आवेला स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स ना स्वागत नो वीडियो वायरल थयो छे. आ वायरल वीडियो में सुनीता विलियम्स खुशी थी झूमती जोवा मळी. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने चंडीगढ़ बेंचे गुरुवार टाटा सन्स की मालिकी एयर इंडिया ना विस्तारा साथे मर्जर ने मंजूरी आपी. भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारे होवानी घटना बनी. आ घटना में सीआईएसएफ की महिला जवान ने सस्पेंड कर देवामां आवी. गई काले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 ने राउंड मैच में सह यजमान यूएसए सामे पाकिस्तानी शरमजनक हार थई छे. पूरी 20 ओवर्स में मैच नु परिणाम मळ्यु न हतु. आथी मैच सुपर ओवर में गई हती. આજે સપ્તાહના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે શેર બજારમાં તેજી જોવા મળી છે. સેન્સેક્સમાં 530 પોઈન્ટ અને નિફ્ટીમાં 160 પોઈન્ટનો વધારો થયો. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના અભિનેતા ગુરુચરણ સિંહ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે, પરંતુ અભિનેતાના પિતાએ જણાવ્યું છે કે ગુરુ પોતાની સાથે મોબાઈલ ફોન રાખતા નથી.